कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती, जो सिर्फ अपने परिवारों के लिए काम करते हैं वो आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। मोदी के लिए तो आप सब, आप ही मोदी का परिवार है, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। आने वाले 5 वर्षों में जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा तो छत्तीसगढ़ भी विकास की नई बुलंदी पर होगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है मोदी के मैदान में आने के बाद की परिस्थितियों पे। जी हां, आज मोदी ने नया नारा दिया है, विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़। और इस नारे के सहारे छत्तीसगढ़ के साथ देश जीतने की तैयारी है। अलग अलग प्रदेशों में मोर्चा संभालते हुए अब खुद ही मैदान में आ गए हैं मोदी। विपक्षियों का केवल एक व्यक्ति से मुकाबला है और वो है नरेंद्र मोदी। तो मोदी किस तरीके से मुकाबले में है, क्या वो छत्तीसगढ़ में करना चाहते हैं और आज की वर्चुअल सभा के जरिए मोदी का क्या संदेश था, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषण रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं MIC के मेंबर सतनाम पनाग जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राहुल टिकरिया हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि आज का कार्यक्रम न केवल छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ी सौगात देने का था बल्कि इन सौगातों के जरिए राजनीतिक विरोधियों को चारों खाने चित करने का भी था। कितना इसमें सफल हुए हैं मोदी और जो उन्होंने बातें कही हैं उसको किस ढंग से ले रही है, क्या मुकाबले में कांग्रेस खड़ी भी है कि नहीं, इन्हीं सब मसलों पर चर्चा करते हुए शुरुआत करते हैं राहुल टिकरिया जी की ओर से। राहुल जी, आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी नेतृत्व है, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ रहा है और वो जिस ढंग के बयानों के जरिए सामने आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि और कोई मुकाबले में नहीं है, मोदी से ही कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में मुकाबला दिख रहा है, क्या कहेंगे? मोहन जी नमस्कार, आवाज क्लियर आ रही है? जी जी, आ रही है। क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो गई। देखिए, सबसे पहला विषय है 2024 ये लोकसभा का चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक है और निसंदेह पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लोग या जनता अब हाथों हाथ ले रही है और जनता इंतजार कर रही है चुनाव को। किसी भी प्रकार से कोई संशय नहीं है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और किसी भी पार्टी के साथ में टक्कर है। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA 400 पार करेगी। और आप देखिएगा, छत्तीसगढ़ में जब हम महज 14 सीट में रहकर 9 सीट जीते थे 12 में से, महज 2 सीटों में हम पिछड़ गए थे, लेकिन अब आप देखिएगा इस बार भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने वाली है। और रही बात जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को मैदान में उतरना पड़ रहा है, निसंदेह हमने विधानसभा का चुनाव भी नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के तहत चुनाव प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के तहत ही हमने घोषणाएं की थी। और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी आप देखिए पूरी होती है, चाहे 3100 रुपए धान का विषय हो उसके लिए प्रावधान कर दिया गया है, किसानों को दिया जाएगा,
21 की गई, 18 लाख प्रधानमंत्री उसको क्या क्या नहीं आगे राहुल जी, हम ये बढ़ेगा। जानना चाह रहे हैं, अभी तो सरकारी कार्यक्रम ही चल रहा है, चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, उसमें भी नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं, राजनीतिक बयान भी वो दे रहे हैं, तो वो जहां सौगातें दे रहे हैं वहीं विरोधियों को वो एक तरीके से आलोचनात्मक मूड में भी दिखाई देते हैं। इसकी क्या वजह है? आप लोग की सरकार भी है यहाँ, दूसरे लोग भी हैं, संगठन में भी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, मोदी को सामने क्यों आना पड़ रहा है? मोहन जी आपका आज आधा अधूरा सुनाई दिया, मगर जो भी सुनाई दिया मैं उसमें जवाब दे दूं आपको। जी चूंकि देखिए आप कह करो कार्यक्रम में आचार संहिता किसी भी प्रकार से नहीं लगी है, और शासकीय कार्यक्रम बिल्कुल था, विकसित भारत का जो कार्यक्रम है वो निसंदेह शासकीय ही कार्यक्रम है। पहले भी जो फेस वन हुआ वो भी शासकीय था, अभी फेस टू को आज प्रारंभ किया गया है, ये भी शासकीय है। और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जनता को संबोधित किया, बिल्कुल सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित है। निसंदेह विकसित भारत की कल्पना ये अपने आप में बड़ा ध्येय है, इसमें जनता के साथ में समस्त कर्मचारी और अधिकारियों की भी महती भूमिका होनी होना आवश्यक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का टारगेट है कि जब हम 100 वर्ष पूर्ण करें आजादी के, उसके पूर्व भारत विकसित होना चाहिए। निसंदेह और भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। आप देखिए भारत आज ठीक विश्व है, की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2027 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। निसंदेह बहुत तेजी से भारत का विकास हो रहा है, आप देखिए हर प्रकार से। अगर नरेंद्र मोदी जी कहीं पर बैठते हैं तो दूसरे देश में आप देखे ही होंगे कि सुनामी आ जाता है, तो ठीक है, जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास करेगा और विकसित भारत बनेगा। ठीक है। चलिए, विकसित भारत बनेगा ये तो सब चाहते हैं, लेकिन चुनावी लिहाज से इसे अलग-अलग नजरिए से राजनीतिक दल देख रहे हैं। सतनाम पनाग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतनाम जी, ये जो मोदी का पैटर्न है, इस पैटर्न को हम 2019 के चुनाव में भी देख चुके हैं, जब आपकी सरकार थी उस समय भी आप लोग उखड़ गए थे। अब तो राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, डबल इंजन से आप लोग का मुकाबला है, कैसे निपटेंगे इससे? देखिए, जो मोहन भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परिवारवाद की बात बोलते हैं, सबसे पहली बात भाई उनको राहुल भाई आप परिवारवाद ना, की बात चलती है। मैं अगर बात करूंगा, गृह मंत्री अमित शाह जी को जो बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया, उसका संविधान को ही बदल दिया गया, लालजी टंडन के बेटे को विधायक यूपी बना दिया गया, सांसद हुकुम सिंह जी के बेटे को यूपी का टिकट दे दिया गया, कल्याण सिंह के पोते को और उनके बेटे को भी केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, ऐसा मैं लिस्ट अगर कराऊंगा तो यशवंत सिन्हा जी के पुत्र जयंत सिन्हा जी को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, गौरी शंकर जी के पुत्र जो रविशंकर प्रसाद जी हैं उनको वहां का केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, कल्याण सिंह के बेटे को राजबीर सिंह जी को सांसद बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी बात को बोलते हैं। अगर मैं लाइन से अगर मैं बात करूंगा तो रीता बहुगुड़ी जी को भी बना दिया गया, अब वसुंधरा राजे जी के बेटे मतलब उसकी दुष्यंत सिंह जी को बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी बात करें, अगर मैं लिस्ट को बात करूंगा ना तो इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी कि मैं अगर बताते रहूंगा तो आधा घंटा ऐसे ही निकल जाएगा आपके डिबेट में। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो एक गारंटी की बात कर रहे हैं, क्या 3100 रुपए धान समर्थन मूल्य देने की बात करी थी, किसी भी किसान के कोटे में आया? क्या आपने बोला था, आपके उप मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि 2 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफी होगा, भरी सभा में माइक से बोला था, क्या बात हुई? ये सब बातें हैं, ये मोदी की गारंटी अर्गलंग है। अभी जो महतारी योजना के बारे में बात कर रहे हैं, इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज डाल दी गई है कि कई लोगों का फॉर्म नहीं भरा गया है। तो कहीं ना कहीं ये फोकी राजनीति है। और लोगों को जो मोदी की गारंटी है, जैसे 15 लाख रुपए उन्होंने गारंटी देने की बात, 15 लाख रुपए हर के खाते में देने की बात कही थी, दिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किए थे, उन्होंने किया? तो कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी एक फेक गारंटी है। लेकिन आज और तो लोग विकास धीरे कार्यों की धीरे इसको सौगात दी समझ है रहे हैं। उन्होंने, 32,000 करोड़ की सौगात मिल रही है, ये तो अच्छी बात है। विकास, विश्वास, इन सब की बातों पर वो जोर दे रहे हैं,
तो अब तो चीजें पूरी हो रही हैं, जो मांगे हैं, जो वादे हैं, वो भी पूरे हो रहे हैं। देखिए, ऋण ऋण लेना और बातों को पूरा करना ये अलग चीज होती है। अगर ऋण लेके कोई चीजों को बातों को पूरा कर रहे, चलिए ठीक है, उसके बावजूद भी हम मान रहे हैं कि पूरा हो रहा है। पर आपने कहा था कि महतारी योजना हम पहले ही कैबिनेट में पास कर देंगे, 3100 रुपए पहले कैबिनेट में हम पास कर देंगे लोगों को। अभी किसानों के खाते में क्यों 3100 रुपए के हिसाब से धान का मूल्य, समर्थन मूल्य नहीं आया? ये सबसे बड़ी बात है ना। आपने गारंटी दी, आपकी गारंटी एक फोक गारंटी है। आपने 3100 रुपए बोला था कि किसानों के खातों में पहली कैबिनेट में आ जाएगा, क्यों नहीं आया? मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं ठीक है, कि चलिए क्यों नहीं आया राहुल जी राहुल से। जी, कई चीजें हैं जिनके सवालों का जवाब आपको हर चौक चौराहे में पूछा जाएगा, जब चुनाव में आप प्रचार करने जाएंगे तो भी पूछा जाएगा। क्या जवाब रहेगा इसका? कैसे अभी तक चीजें अधूरी हैं, और क्या मोदी के नाम के भरोसे आप लोग की नैया पार हो जाएगी, जब ऐसे सवाल अभी भी खड़े हुए हैं? बिल्कुल मोहन जी, मैं जवाब दे दूं, मैं उसमें दे ही रहा था, मगर बीच में आपने कुछ दूसरा क्वेश्चन कर दिया तो बिल्कुल मैं उस क्वेश्चन से भटक गया था। रही बात मोदी जी की गारंटी की, मैं बता दूं छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के तहत हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मोटे मोटे 2 महीने हो रहे हैं सरकार को, और रही बात पहली ही कैबिनेट में पहला अनुमोदन हुआ और पहला निर्णय हुआ कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए और उसके लिए व्यवस्थाएं की गई, अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई। और आगे मैं बता दूं 3100 रुपए समर्थन मूल्य में जो धान खरीदी का विषय है, अनुपूरक बजट में भी व्यवस्था किया गया, उसके बाद मुख्य बजट में भी व्यवस्था किया गया। करीब 20,000 करोड़ का व्यवस्था किसानों को देने के लिए किया जा चुका है। और आगे मैं बढ़ूं, 21 क्विंटल में हमने धान खरीदी किया। आगे बढ़ जाइए आप, तो कहां है पीएससी पैसा? घोटाले के विषय में, अरे जरा सुनिए, जरा सुनिएगा, जरा सुनिएगा, पीएससी घोटाले के विषय में हमने जांच का वादा किया था, जांच हुई, वही सीबीआई जांच कर रही है जिसको इन्होंने पास अपनी बातों से भटक रहे हैं। और अरे जरा राहुल जी, जरा अपनी बातों से भटक रहे हैं आप। 3100 रुपए के बारे में बताइए। आपके सचिव के ऊपर FIR दर्ज हुआ। आगे आप बढ़ जाए, महतारी वंदन योजना का 60 लाख से अधिक फॉर्म हमने भरवाया, और 8 तारीख को महतारी वंदन योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रति माह 1000 रुपए स्वीकृत किया जाएगा। रही बात 3100 रुपए का अंतर राशि का, मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत जल्द आचार संहिता के पहले किसानों को वो अंतर की राशि भेज दी जाएगी। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो क्षेत्र की जनता है और जो हितग्राही है उनको पता है कि किसका किसका आवास स्वीकृत हो चुका है। राहुल जी, आपको पता बता देता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं अभी। बड़ा भरोसा दे दिया, सत्ता में आएंगे, अन्य विषयों पे भी आएंगे। प्रधानमंत्री आवास की सूची बनी बुनाई है, आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं अभी पंचायतों में, नगर निगम में। मैं एक गुप्त पार्षद हूँ नगर निगम का, देखिए आवेदन ही नहीं लिए जा रहे हैं अभी। प्रधानमंत्री आवास जारी हुए हैं, मैं पुनः बता दूं, ग्रामीण 18 लाख आवास जारी हुए हैं, शहरों में जो आवेदन लिए जा रहे हैं वो आवास, यही तो झूठ है ना आप लोगों का। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जारी किए हैं वो ग्रामीण अंचलों के थे, जिसको आपकी सरकार में रोक रखा था। तो ये जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, किसी भी प्रकार चले आएंगे आप लोगों के पास, फिर से लौटेंगे। लेकिन हमारे इंतजार कर, मैं मुझे मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना झूठ बोलते हैं ये। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और NDA आऊंगा दोनों के पास, इस बार के चुनाव में जाएगी। चलिए, और उसका कारण है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। ठीक है, चलिए, और मौका दूंगा दोनों को, लेकिन पहले नागेंद्र वर्मा जी को सुन लेते हैं। नागेंद्र वर्मा जी क्या आकलन रखते हैं, जो परिदृश्य दिख रहा है वर्मा जी, उसमें लग रहा है कि मोदी लीड करते हुए स्वयं हर विधानसभा या हर लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, और इसीलिए वो खुद ही आगे आ रहे हैं, बाकी सारे लोग पीछे हैं, इसका कितना एडवांटेज मिलेगा, किस तरीके की रणनीति के साथ, इस पूरी रणनीति को किस ढंग से देखते हैं आप? दिख रहा है और मिशन मोड पे आ गई है बीजेपी, और कमान संभाल ली है सीधे सीधे नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रीगण भी मैदान पे आएंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है 11 सीटों को कैसे जीत ले, इसके लिए पूरी तरीके से प्राण पाण से जुटी हुई लगती है। और
उनके इस कवायद से सीधे सीधे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा ही होगा, और जिस तरीके की बातें की जा रही है कहीं ना कहीं इसका असर आम जनमानस में पड़ता है। अब सबसे पहले हम देखें कि हम प्रदेश में लंबे समय से, जब से राज्य बना है, राज्य के बनने का कारण ही यही था कि ये क्षेत्र जो था वो लगातार पिछड़ा हुआ था, विकास की मुख्य धारा से हमेशा कटा हुआ महसूस किया है, खासतौर पर उत्तर के सरगुजा जो आदिवासी अंचल है और दक्षिण में बस्तर, तो यहाँ विकास कभी होता ही नहीं था। राज्य बनने के बाद इसमें एक गति आई, लेकिन फिर कहीं ना कहीं इसमें विराम लगता हुआ नजर आया, जो हमेशा विवाद का विषय रहा, लोगों ने इस पर लगातार चर्चाएं भी की। अब वो फिर से इस स्ट्रीम पे हम आ रहे हैं कि फिर उसको गति दी जाए। यहाँ पर जो काम रुक गया था, चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़कों का अच्छा जाल हो, और उद्योगों को आगे बढ़ाने की बात हो, ताकि जितना हम इन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य के दिशा पे काम होगा, शिक्षा पे काम होगा। तो इसको लेके अब एक जो समग्र चिंतन हो रहा है कि विकास जो है वो अब चुनाव में मुख्य मुद्दा रहेगा। अभी तक के छोटी छोटी चीजें होती थी, तो वो छोटी चीजें इन बड़ी चीजों के साथ अपने आप साल्व होती चली जाएंगी, ऐसा लगता है। चलिए, और इसीलिए सारा जोर इस बात को लेकर दिया जा रहा है कि विकास कौन कर रहा है, विकसित कौन कर रहा है। ये जो नया नारा हम सुन रहे हैं कि विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़, पनाग जी, ये एक तरीके से वो सपना है जो हर भारतीय देखता है कि हमारा भारत विकसित हो, छत्तीसगढ़ विकसित हो, और इसीलिए इतने करोड़ों के काम की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इसकी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, केवल उन बातों को लेके बैठे हुए हैं जिन पे अभी काम होना बाकी है, लेकिन जो हो रहा है उसकी भी तो सराहना होनी चाहिए। कोई काम ऐसा होता है तो उसकी सराहना हम करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। हम ये बोलते हैं कि किसानों से किया होगा वादा, अगर 3100 रुपए समर्थन मूल्य पे आप देने का वादा किए थे तो उसे दीजिए ना। अरे मिलेगा भैया, अगर आपने पहले कैबिनेट में बात किया था कि इसको दे दिया जाएगा, जो जय जवान जय किसान का नारा हमारे भारत वर्ष में लगाया जाता है उसको पूरा फुलफिल करिए ना। आप झूठ बोलते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे और झूठ बोलते रहेंगे, इससे कैसे होगा? ये सबसे बड़ी बात है। आप बोलेंगे कि एक तरफ परिवारवाद की बात करेंगे तो आपके लंबी लिस्ट है, कम से कम नहीं तो 100 से ज्यादा। आप रमन सिंह का ही देख लीजिए, रमन सिंह ने अपने पुत्र को क्यों लड़वाया, उनको क्यों सांसद बनवाया? तो कहीं ना कहीं ऐसी परिवारवाद की जो बात करते हैं ये फोकी बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि विकास हो, हम ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ की जनता का विकास ना हो। हम ये चाहते हैं कि हसदेव के जो जंगल काटे जा रहे हैं, जो वहां पे आदिवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, वो ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? विकास की बात करते हैं और आप एक तरफ पूरे हसदेव को जंगलों को कटवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बात है कि आप एक तरफ पूंजीवादियों को लाभ देने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये कार्य छत्तीसगढ़ की जनता, प्रदेश की जनता नहीं पूरे देश की जनता जान रही है। यही समझना पड़ेगा कि विकास ऐसा नहीं होता कि जंगलों की कटाई के साथ विकास होता है। जंगलों का कटाई किसने किया? आप कौन सा विकास कर रहे थे? आप कौन सा राजस्थान को कोयला बेचने वाले थे? ये छत्तीसगढ़ की जनता, जंगलों की कटाई किसके शासन काल में चालू हुई ये मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं। आप दिल से बात करके बोलिए कि जिस दिन सरकार बनी उस अभियान चलाया, उस समय सरकार आऊंगा। अरे बात पूरी हो जान दीजिए, पनाग जी की बात पूरी हो जान दीजिए, फिर आऊंगा। राहुल जी आपके पास आऊंगा जल्दी। अरे पनाग जी आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। पनाग जी बात से कुछ नहीं होगा, सच्चाई ये है कि लोग जान गए हैं, हमारे लोग जान गए हैं कि कहीं ना कहीं ये एक बेवकूफ बनाने की, जैसे 15 लाख रुपए दिया जाएगा खाते में क्यों नहीं दिया गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी गई क्यों नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ठीक है। मैदान में जब मोदी हैं तो क्या ऐसी बातों को भी हवा दी जा रही है जो संभव नहीं है पूरा होना? गारंटी के नाम पर क्या लुभाया जा रहा है क्या राहुल जी? गारंटी के नाम पर क्या लोगों को छला जा रहा है मोहन जी? गारंटी के नाम पर कहाँ पे छला गया?
हमने महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया, हम कर रहे हैं। हम 18 लाख प्रधानमंत्री करने का वादा किया, हम कर रहे हैं। हमने किसानों को 31,000 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने का वादा किया, 20,000 करोड़ का बजट किया, हम कर रहे हैं। हमने किसानों को 1 क्विंटल धान खरीदा, हमने पीएससी पे जांच बैठाई, मोदी जी की सारी गारंटी पूरी होगी। 21 क्विंटल से कोई धान खरीदी नहीं हुई है, ना कोई आदेश आया है। 5 साल अभी आपको सत्ता से बाहर रहना है और आप देखिएगा लगातार 3 कार्यकाल आप सत्ता से बाहर रहेंगे। झूठ बोलते हैं आप लोग, और मोदी जी के झूठ को मैं प्रणाम करता हूँ भाई। मैं आपके झूठ को बातों में ना उलझते हुए नागेंद्र जी से टिप्पणी ले लेते हैं। वर्मा जी, क्या लग रहा है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में? कुछ सच्चाई विपक्ष के पास भी है, कुछ सच्चाई सत्ता पक्ष के पास भी है। आपका क्या आकलन आ रहा है? क्या चुनावी वर्ष है शायद इसलिए कीचड़ उछालने का जो दौर है वो हमें इसी तरीके से और देखने को मिलेगा? मोहन जी, राजनीति में जो आक्षेप जो लगाए जाते हैं, और वाकई में जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कीचड़ उछालने की बात, ये चीजें महत्वपूर्ण लग जाती हैं चुनाव में, लेकिन मूल तथ्यों से हम हट जाते हैं। पिछली दफे राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, निसंदेह उनकी बहुत सारी योजनाएं अच्छी थी। आज सत्ता परिवर्तन के बाद भी उन योजनाओं की लगातार समीक्षा हुई है और उनमें से बहुत सारी योजनाओं को नहीं बदला गया है। आप खुद देख रहे हैं उस पर काम हो रहा है। स्वाभाविक रूप से जनता ये चाहती है कि कांग्रेस ने अगर इस पर अच्छा काम किया है तो इन सब चीजों को लेके वो मैदान पे आए, और आगे इस पर क्या रूपरेखा हो सकती इस पर चिंतन होना चाहिए। दूसरे की लाइन छोटी करने के बदले मुझे लगता है कि अपनी लाइन को बड़ी करने का जो प्रयास है वो ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। जनता जो है वो आकलन करती है, जनता के पास वोटिंग का पावर होता है और वो अंतिम दम तक के निर्णय को बदलने की क्षमता रखती है। तो सवाल ये उठता है कि आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो जनता को कितने अच्छे से आप समझा पाते हैं, और आपके पास ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो जनता को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है, ये चुनाव के लिए मुख्य मुद्दा या कारण बनता है। ठीक है, चलिए, योजनाएं तो एक तरफ आई हैं, लेकिन एक चेहरे के को रखकर सामने चुनाव लड़ा जा रहा है, तो योजनाएं तो पीछे हैं लेकिन नाम और चेहरा आगे है, और वो है नरेंद्र मोदी का। एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं, पहले सतनाम जी से। चलिए, बाकी चीजों को दरकिनार कर दिया जाए सतनाम जी, लेकिन उस ब्रांड से कैसे मुकाबला करेंगे जिसका नाम नरेंद्र मोदी है? देखिए, नरेंद्र मोदी नहीं, वो झूठ है। उनकी गारंटी हमेशा झूठी रही है, चाहे कोई भी बात को कर लेंगे। आज वो सिर्फ हम दो और हमारे दो की प्रक्रिया को अपना के काम कर रहे हैं, देश की जनता को कहीं नहीं पूछ रहे हैं। जो किसान भाई आज हमारे आंदोलन कर रहे हैं उनको नहीं पूछे जा रहे हैं, लोगों को, किसानों को गोली मार दी जा रही है एमएसपी पे। अगर वो यहाँ पे 3100 रुपए धान समर्थन मूल्य देने की बात करते हैं तो क्यों नहीं पूरे प्रदेश में वो 3100 रुपए की बात करते हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्यों समर्थन मूल्य की? आप एक जगह बोलते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो पूरे देश वर्ष में 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात क्यों नहीं करते हैं कि जगह आप दे सकते हैं? तो कहीं ना कहीं इनकी झूठी बातें हैं। अगर उनको देना है तो हमारे किसान भाई आज अगर बैठे हैं तो उनको 3100 रुपए समर्थन मूल्य में देने का पूरा वादा कर दें, हम भी उसके साथ रहेंगे, हम भी उनके हाथ जोड़ेंगे कि आपने सच्चा काम किया है। पर कहीं ना कहीं ये झूठ मोदी मैजिक को खारिज कर रहे हैं सतनाम जी। राहुल जी, क्या केवल मोदी जी पर भरोसा है? केवल मोदी का नाम ही आप लोग को जिता सकता है? आप लोगों की और क्या तैयारी है? दूसरा क्या फैक्टर है जो आपको जिताएगा? देखिए मोहन जी, सीधा सीधा विषय है, हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाते हैं, और जाहिर सी बात है अब जो चुनाव होने वाले हैं वो लोकसभा के हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, भारत विकसित हो रहा है, विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है, तो भारत का पूरा एक एक जन जन और जनता चाहता है कि पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कितना गिरा है आपको पता है राहुल जी? बोलने दीजिए,
अरे मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आपका वार्ड भी हम लीड करेंगे, आपका बूथ भी हम लीड करेंगे, और दिल से आप भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पुनः, तो जाहिर सी बात है अधिकांश कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इनके पास ही नेतृत्व नहीं है, और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जीतेगी और एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगी। ठीक, चलिए, ये एक तरीके से लक्ष्य है बीजेपी का, कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है। बिल्कुल, चलिए, ये जनता जनता को तय करने दीजिए, दोनों पार्टियों के बिल्कुल अपने अपने दावे हैं, बीजेपी का लक्ष्य है, कांग्रेस की कोशिश है, और दोनों ओर से जो प्रयास हो रहे हैं वो हम आपको समय समय पर अवगत भी कराते रहते हैं। राहुल जी, जी जी, ठीक है, चलिए, तो दोनों पक्षों को अभी तो और कई लड़ने का मौका मिलेगा, फिलहाल ये जो समय है वो हमें इजाजत नहीं देता कि ज्यादा हम चर्चा कर पाए। इस पूरी चर्चा के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है वो छत्तीसगढ़ में क्या कर रहा है, और आज के कार्यक्रम के जरिए उन्होंने विकास और विश्वास के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का जो नारा दिया वो कितना कामयाब हो पाएगा, समय बताएगा, लेकिन नारा आगे कर दिया गया है और इसका चुनावी असर भी हमें देखने को मिल सकता है, तो समय समय पर आकलन हम करते रहेंगे। फिलहाल अभी वक्त हो गया है विदा लेने का। इस पूरी चर्चा में राहुल टिकरिया जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद, और सतनाम पनाग जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का आज धन्यवाद करते हुए, मुकाबले में जब मोदी उतरे हैं तो उसका क्या विश्लेषण है हमने आपके सामने रखा। फिलहाल वक्त हो गया है विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत, आप लोग से एक उम्मीद है, देखते रहिए TV24, रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।